एक बड़ी खबर बताते हैं आपको, जो अहम खबर है। खबर क्या है आपको बताते हैं, कांग्रेस को लेकर खबर है। गोवा कांग्रेस में टूट पर प्रदेश प्रभारी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है और यह बयान है कि बीजेपी ने खरीद फरोख्त के जरिए विधायकों को तोड़ने की कोशिश की है। दिगंबर कामत, माइकल लोबो साजिश में शामिल हैं, ये तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही। कहा कि माइकल लोबो को फिलहाल सीएलपी के पद से हटा दिया गया है। तो दिनेश राव की तरफ से बड़ा बयान सामने आया कि धमकी लालच देकर विधायकों को तोड़ा जा रहा है, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। धमकी और लालच देकर तकरीबन 8 विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। आपको बता दें कुल 12 विधायक कांग्रेस के, जिसमें से 8 के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। God, how much they value God and what is their true value of their oath. So both these people have been working in the background with the Bharatiya Janata Party. One person to safeguard his own skin because of so many cases against him, so many problems that he was facing. He has compromised himself. And the other person, even though the Congress party had given him all positions, including making him chief minister for 5 years, even though he had recently joined the Congress party then, and he was the leader of opposition, he was our face of the election campaign. So just for the sake of power and position, and I don't know what else,